तो मुझे तो बड़ा गुस्सा आया कि क्यों तुम ऐसा कर रही हो। ऐसे अच्छा कि आप देखो ही मत। नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी जी। स्वागत करते हैं हम आपका अपने 9th ब्लॉग में जी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ये रही हमारी आईडी, वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर हम डेली लाइव आते हैं और आप लोगों से ढेरों बातचीत होती है, मजेदार सेशन रहता है, तो आप लोग भी जुड़िए इंस्टाग्राम से। हम इस वीडियो में बताएंगे कि हमारी सोशल मीडिया पर जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। इतने कमेंट आए थे आप लोगों के, इतने बार सवाल आ रहे थे। कोई पूछ रहे थे कि सर आप टिकटॉक पर कैसे शुरुआत किए, कोई पूछ रहे थे कि आप यूट्यूब पर कैसे शुरुआत किए। तो हमने सोचा कि एक एक करके कमेंट का जवाब देने से अच्छा है कि एक वीडियो बना दो, एक साथ ही सभी को इसका आंसर मिल जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही जो सवाल रहेंगे उस पर एक वीडियो बना देंगे ताकि एक साथ ही सभी को जवाब मिल जाए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम एक कमेंट का रिप्लाई कर देते फिर से वो सवाल आता है, तो बार बार सभी को रिप्लाई करने से अच्छा है कि एक वीडियो ही आप बना दो। तो इसलिए हमने जी एक वीडियो ही बना दिया इसके ऊपर। तो जी अब हम आपको बताते हैं हमारी सोशल मीडिया पर जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, स्पेशली टिकटॉक पर कैसे स्टार्ट हुई। तो जी बात यह है कि जब हमारी और जिया की शादी हुई थी तो मुझे एक महीने का छुट्टी मिला था, मैंने छुट्टी ले लिया था उस ऑर्गेनाइजेशन से। तो एक महीने तक हम लोग खूब घूमे, दिल्ली घूमे थे, इधर अमृतसर घूमे थे, आगरा, मथुरा, वृंदावन, जो भी आसपास दिल्ली के आसपास जो भी था वहां पर खूब घूमे थे हम लोग। फिर उसके बाद जो है एक महीने के बाद जिया घर आ गई, और जैसे ही घर आई ये तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, मैं बोर होती थी क्योंकि माँ का ट्रांसफर हो गया था। तो फिर मुझे बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, मैं बोर होती थी यहाँ पे, और ये अपने ऑफिस में बिजी रहते थे, उनको टाइम नहीं मिल पाता था। तो फिर मैंने सोचा टिकटॉक स्टार्ट करते हैं। क्या करने लगी कि हम लोग जो वीडियो कॉल पर बात करते थे, हम ऑफिस से थे, उसी बीच में ये भी बता दो कि उस टाइम मैं दिल्ली में था और दिल्ली से मेरा जॉब जो है चेंज हो चुका था, हम चंडीगढ़ चले गए थे। तो जिया क्या करती थी कि हम दोनों जो वीडियो कॉल पर बात करते थे, जिया उस वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर लेती थी और उस वीडियो कॉल को रिकॉर्ड करके उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करके उसको टिकटॉक पर डाल देती थी। छोटा छोटा क्लिप जो मुझे अच्छा लगता था मैं उसे कट करके उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक डाल करके मैं टिकटॉक पर डालती थी। तो एक दिन जिया ने मुझको बताया कि वो ऐसा कर रही है, तो मुझे तो बड़ा गुस्सा आया कि क्यों तुम ऐसा कर रही हो, हम दोनों की प्राइवेसी की बात है तुम वहाँ शेयर कर रही हो। तब ये बताया कि हम दोनों की बातचीत प्रॉपर नहीं शेयर कर रहे हैं, उसको हटा देते हैं, म्यूजिक पीछे लगा करके वो शेयर करते हैं जो भी एक्टिविटी होती है। तो मैंने कहा कि नहीं, फिर भी मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा अगर इस तरह से मुझको मालूम चलेगा कि यह रिकॉर्ड हो रहा है, तो उस तरह से हम बात नहीं कर पाएंगे कॉल पर। हाँ, तो मैंने इनको बोला कि ठीक है आप देखो ही मत, सबसे अच्छा है क्योंकि आप देखोगे तो आपको बुरा लगेगा ना, इससे अच्छा कि आप देखो ही मत। फिर मैंने इनको ब्लॉक कर दिया। हाँ जी, इसने मुझको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करके ये अपना वीडियो डालते रही। फिर क्या हुआ कि एक दिन हम ऑफिस में बैठे हुए थे तो टिकटॉक खोले, और मेरा क्या मन हुआ कि सोचे कि इसका आईडी खोल करके देखते हैं। तो आईडी खोल करके देखे तो देखते ही मुझको अनब्लॉक की हुई है। फिर मैंने इनको बस बोल दिया था कि हम आपको ब्लॉक कर देते हैं, फिर ब्लॉक भी कर दिया, फिर तुरंत अनब्लॉक कर दिया। तो मुझे पता नहीं था कि मुझको अनब्लॉक कर दी है। तो अनब्लॉक जो की उसके बाद जो हम देखे वीडियो खोल करके, हम देखे एक वीडियो तो बड़ा वायरल गया हुआ है, लगभग 2 लाख या 3 लाख व्यू था उस पर, और मैंने उस टाइम स्टार्टिंग किया था। फिर अब क्या है कि हम भी है डिजिटल मार्केटर, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में स्पेशली मेरा जो फील्ड है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। तो मेरा तो ये प्रोफेशन ही था, हमेशा क्लाइंट के लिए काम करते थे, अपने लिए कभी काम नहीं किए। तो हम सोचे कि चलो यार ये तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है। फिर क्या हुआ मैं बताती, फिर क्या हुआ ये मुझे कॉल करते, पता है जिया तुम्हारा टिकटॉक ना, बस जैसे कि बोले ना हमको डर लगने लगा कि अब लगता है फिर डांटेंगे कि काहे तुम वीडियो डाल दिए। फिर बोलते तुम्हारा वीडियो ना वायरल जा रहा है, फिर हमको इतनी खुशी, बोल सच में, हाँ देखो ना, फिर स्क्रीनशॉट भेजे थे मुझे, मुझे बहुत अच्छा। हाँ जी, इसको तो आइडिया नहीं था कि व्यू क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो बस अपना शौक के लिए वीडियो डाल देती थी। उसको हम बताए कि इस पर इतना व्यू जा रहा है, इतना लाइक जा रहा है, तो ये भी बहुत खुश हो गई। तब क्या हुआ कि हम भी इसको सपोर्ट करने लग गए कि ठीक है चलो अब तुम वीडियो डालो, बस इतना ध्यान रखना कि हम लोग का कुछ ऐसा बातचीत सब नहीं डालना। असल में बातचीत वाला डाल ही नहीं रही थी, ये तो कर रही थी कि हम दोनों का जो भी बातचीत होता था वो जो एक्शन होता है उसको रिकॉर्ड कर लेती थी और उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगा करके वो शेयर कर देती थी। इस तरह से जी हमारी वहाँ पर शुरुआत हुई। फिर जी 2-3 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। फिर क्या हुआ कि पेरेंट्स ने जिया को भेज दिया मेरे पास, जब उनको मालूम चला कि अच्छे से खा पी नहीं रहा है, अपना देखभाल नहीं कर रहा है, बीमार पड़ जाएगा, तो जिया को भेज दिया मेरे पास। तो जब जिया वहाँ आई, फिर जब जिया आई वहाँ पर, फिर सोचने लगे कि अब क्या डाले वीडियो, क्योंकि पहले तो वीडियो कॉल का डालते थे और वो अच्छा चलता था। तो हम लोग क्या करने लगे, जो भी मार्केट घूम रहे हैं, आसपास घूम रहे हैं, वो सब का वीडियो बना करके डाल देते थे। तो जी हम लोग जब वीडियो डालते थे उसका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, फिर हमने सोचा कि क्या डाले अब, तो जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं वो चीज डाल दो। तो हम डाल रहे थे और लगातार डालते जा रहे थे। फिर एक दिन क्या हुआ जी, हम दोनों की हो गई लड़ाई। लड़ाई हुआ था रात में, पूरी रात हम लोग बात नहीं किए, और हम क्या किए
सुबह के 6:30 बजे उठ गए उस दिन, जबकि हम नॉर्मली उठते थे 8:30 बजे के करीब और 10 बजे मेरा ऑफिस रहता था, लेकिन उस दिन हम पहले उठ गए। और हम क्या किए, जिया बार बार शिकायत करते रहते थे कि तो हमको रोज नहीं देते हो, चॉकलेट बिस्किट जो सब होता था इसको देते थे, हम खाली को रोज नहीं देते थे। तो हम कहते थे नहीं, हम जब देंगे अपने मन से देंगे। फिर क्या हुआ, उस दिन हम सोचे चलो आज ही दे देते हैं रोज। फिर हम सुबह 6:30 बजे उठ गए और पैदल चल के लगभग 2-3 किलोमीटर होगा लगता है, वो उतना दूर पैदल चल के हम एक मंदिर गए और मंदिर से हम वहां पर रोज खरीदे इसके लिए। और रोज खरीदने के साथ साथ टाइम जो है दुकान भी खुल गया था कुछ एक, तो उसके बाद इसके लिए चॉकलेट भी लेकर के आ गए थे। और हमें क्या लग रहा था, यार लड़ाई कर लिए, कहाँ चले गए, नहीं चले गए, इतने सवेरे तो उठते नहीं है। मन में ये भी लग रहा है, फिर सोच रहे कहीं सैलून चले गए होंगे, अपने दिल को बहला रहे थे कहाँ चले गए, कहें क्यों नहीं हम बात कर लिए चले गए, गुस्सा भी आ रहा था। फिर क्या हुआ, और ये सब चीज़ जो हम कर रहे थे ना, ये सब चीज़ को हम रिकॉर्ड कर रहे थे। अभी कुछ देर में आपसे वो वीडियो शेयर करेंगे, आप जरूर देखिएगा उसको, और शायद आप में से कई लोगों ने देखा होगा जो पहले से जुड़े हैं टिकटॉक से भी। तो जी फिर क्या हुआ कि हम वो लेकर के आए और जिया को हम दिए रोज, और ये रोज देख करके जो खुश हो गए एकदम, पूरा गुस्सा खत्म। और तो देखिए भी नहीं हो रहा था सच में ऐसा हो सकता। तो जी ये वीडियो आप देखिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज सुबह सुबह ही मैं निकल पड़ा घर से कुछ चीज़ों के लिए, बहुत दूर निकला था। उसका कारण बताता हूँ, ये मेरी वाइफ और मेरे बीच कल लड़ाई हो गई, वाइफ नाराज़ है, कल से बात नहीं कर रही मुझसे, तो उसे सोच रहा हूँ खुश कर लूँ, मना लूँ। उसे रोज़ बहुत पसंद है, तो ये देखो ये रोज़ लेकर आया है, और उसे चॉकलेट भी काफ़ी पसंद है, तो ये भी सुबह सुबह एक स्टोर से खरीद आया। तो देखता हूँ वाइफ का क्या मूड बनता है आज, बताता हूँ आगे आपको। अपने घर के पास पहुँच गया हूँ, ऊपर है, देखता हूँ वाइफ का क्या मूड बनता है, बताता हूँ। क्या कर रही है? कुछ नहीं। कुछ नहीं, तुम्हारे लिए कुछ लाए थे? मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए सच में? एक बार देख तो लो। नहीं चाहिए, चॉकलेट होगा और क्या होगा? और क्या होगा, देख लो। बहुत दिनों से बोल रही थी। खत्म हो गया। अरे बहुत दिनों से बोल रही थी ना, आज देखो ले आया ना। अरे थोड़ा और थोड़ा और ड्रामा कर दी, थोड़ा और क्लाइमेक्स बनता है, ये तो एक्साइटमेंट ही खत्म हो गया। तो जी यहाँ जो वीडियो थी, यह वीडियो भी वायरल चला गया, और यहाँ जो वायरल चला गया इसके बाद और थोड़ा मोटिवेट हो गए हम। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम वीडियो डालने लग गए, फिर जो है लोगों का कमेंट आने लग गया हमारी शादी को लेकर के, कि सर आपकी शादी लव मैरिज है या अरेंज्ड मैरिज है, कैसे मिले ये सब आप बताइए। तो हमने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, एक शादी की कहानी की सीरीज ही शुरू करते हैं। तो उसमें हम एक एक मिनट की वीडियो डालते थे, और 30 पार्ट हमने डाला था हमारी शादी की कहानी सीरीज, उसे यूट्यूब पर भी हमने चलाया था, वो 3 पार्ट में था, क्योंकि टिकटॉक पर टाइम लिमिट होता है 1 मिनट का, तो इसीलिए वो 30 पार्ट में डाला हमने, और उसको भी इतना सपोर्ट मिला तो हम और मोटिवेट हो गए। फिर उसके बाद जो है हमारा टिकटॉक इस तरह से चलता रहा, और इसके बाद हम क्या देखे, सच में ये मैंने देखा कि हो सकता है कि सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस हो, आप लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने देखा कि जो अमीर लोग हैं वो अपनी अमीरी अच्छे से दिखाते हैं और बड़ी प्राउडली दिखाते थे, और जो गरीब लोग होते थे वो भी अपनी हालत को दिखाने में नहीं शर्माते थे, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो अपने आप को मिडिल क्लास दिखाने में काफी झिझकते थे, ये तो मैंने देखा जी। आप लोगों ने देखा हो कई सारे ऐसे वीडियो, लेकिन हमें उतना नहीं देखने को मिलता था इस तरह से, उतना कि हमें देखने को ही नहीं मिला कि कोई भी इस तरह से प्राउडली बता रहा है कि हम मिडिल क्लास है। तो हम जो एक मिडिल क्लास कपल किस तरह से रहता है और किस तरह से हंसी खुशी जिंदगी जी रहा है, इस कंसेप्ट को लिया और हर एक छोटा छोटा मोमेंट हम शेयर करने लगे, और जो सपोर्ट मिला लोगों से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, उसी के बेसिस पर 7,15,000 हो गए 10 महीने में, तो जी हमें काफी अच्छा लगा था। और फिर तो वो टिकटॉक बैन ही हो गया, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया डेटा सिक्योरिटी के इशू के वजह से, तो जी गवर्नमेंट के डिसीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए अगर डेटा सिक्योरिटी का कोई भी इशू है, और हम लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं इन बातों को। बिल्कुल जी, तो इस तरह से जी हमारी जर्नी स्टार्ट हुई टिकटॉक की, स्पेशली कहिए कि सोशल मीडिया पर हम दोनों का एक साथ इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुआ, नहीं इससे पहले तो फेसबुक भी था, लेकिन जो एक्टिवली कहते हैं बहुत ही एक्टिव तरीके से किसी पर काम करना, तो वो टिकटॉक था जी। तो उम्मीद करते हैं
आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाना नहीं भूले ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आए तो आपको मिले। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।